अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इस देश के लोग कुछ भी कर लें, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कर लें, आप मोदी को नहीं हरा पाएंगे। अभी मंच से बात हुई और मैं कहता हूं अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं 50 और 60% है तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे, उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पर खड़े हो जाएं और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए तो अभी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। ये है हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कराता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से के, तब पता लगे कि आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। जंतर मंतर पर आज मनुस्मृति दहन दिवस को मनाया जा रहा है, जिस प्रकार से 25 नवंबर 1927 को बाबा साहेब ने उतने उत्साह से सारी चीजों को किया था, लोगों को साथ लेकर चले थे, असमानता को खत्म करने का एक प्रयास किया था और एक कदम सामने रखा था, उसी तरह आज भी इतने लोग उनकी याद में यहाँ आए हैं और उन सारी चीजों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतवर्ष जैसे देश में समानता को और आगे बढ़ाया जा सके, हर इंसान को समान समझा जा सके, उस चीज को अपने अंदर लाने की बातचीत कर रहा है जरूर। एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं, ये भी इसी इवेंट में आए हैं, काफी आह्वान किए हैं, 6 तारीख को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है और इस चीज को लेकर क्या समझ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो शुरुआत तो आज के इवेंट से करेंगे, किस उद्देश्य के साथ रखा गया है ये सारे इवेंट? देखिए उद्देश्य ये है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का दहन किया था वो किसी एक पुस्तक का दहन नहीं था, वो तो सांकेतिक था, लेकिन असली जो चीज थी वो थी कि जो असमानता पर आधारित व्यवस्था है जिसको इस देश के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग उन पर थोपा जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उसको खत्म करने के लिए समानता पर आधारित एक व्यवस्था बने जिसमें हर किसी को उसका हक और अधिकार मिले, वो एक संस्कृति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के दहन के बाद स्थापित की, शुरू की। उसी की याद में जो है या उसी को आगे बढ़ाते हुए ये आज का सम्मेलन किया गया